राम राम भाई साहब ने इसको जानते हो एक नंबर की दलाली करने वाली, कांग्रेस के तलवे चाटने वाली पूनम खान। जी हाँ, आप सबको पता है दिल्ली के अंदर अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे दिल्ली के कोने कोने में फेंक दिया गया था एक अब्दुल के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज का इसका ज्ञान सुनिए, आपको एक बार इसका ज्ञान सुना देता हूं, ये क्या ज्ञान दे रही है, आज आकर आप एक बार देखिए और फिर हम कुछ बात भी करेंगे और इसको जवाब भी देंगे साथ साथ में। पहले इसका आज का जो महाज्ञान है वो सुनिए। जी हाँ, प्यार का आधा पै तक नहीं पता है भाई, त्याग को प्यार कहते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं ना, वो हर हालत में खुश रहना चाहिए, चाहे वो कहीं भी खुश रहे, हमसे दूर, हमारे पास, कहीं भी, बस वो खुश रहना चाहिए, इसको प्यार कहते हैं। आफ्ताब पूना वाले ने सारी दरिंदगी की हादें पार कर दी श्रद्धा का कत्ल करके। बस मैं यही बोलूंगी कि जो हमारी बहनें हैं वो इस तरीके के दरिंदों के हफ्ते ना चढ़े, क्योंकि आपके माता पिता सर्वपरि हैं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। ये आज का इस पूनम खान का ज्ञान है। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि इसको इसमें मतलब कहीं से बीजेपी का कोई पॉइंट नहीं मिला है। आप सबको याद होगा, आपको पता होगा कि यानी कि उदयपुर में कन्हैयालाल जी की कुछ महीने पहले निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, तो उन हत्यारों को भी, वो जिहादी उन अब्दुलों को भी बीजेपी से जोड़ दिया था। लेकिन हमारी एक बहन थी नुपुर शर्मा, जिन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर यह कहती है पूनम खान, कहती है कि उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। लेकिन आज ये पूनम खान कहती है कि सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों से, और सिर्फ और सिर्फ कहती है कि बस सजा होनी चाहिए हल्की सी। मतलब एक बात बता पूनम खान, अपनी ये मानसिकता को बदल दे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि ये पूनम खान किस तरह से आरोप पे आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी को, कैसे भी करके बीजेपी को बीच में घसीटना इसकी आदत बन चुकी है। क्योंकि अगर ये लव जिहाद पर बोल जाएगी तो कांग्रेस वाले लात मार के निकाल देंगे पार्टी से बाहर। लेकिन इसलिए ये एक मिनट भी लव जिहाद के बारे में कुछ भी ज्ञान उन सनातनी बेटियों को नहीं दे सकती है। और ये तो खुद एक अब्दुल के चक्कर में है भाई साहब, ये तो खुद एक अब्दुल के चक्कर में है। लेकिन इनका कहना यही होता है कि हर किसी का अब्दुल एक जैसा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी का अब्दुल ही एक जैसा होता है, उनके खून में, उनके जो दिमाग में, उनकी जो जिहाद भरा गया है उसे ये नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर ये बता देंगे तो समझो सबसे बड़े, सबसे पहले कांग्रेस विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि उन जिहादियों को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा मकसद होता है कांग्रेस का, और कांग्रेस लगातार करती है। और कांग्रेस अधाधुंध यानी कि जो हिंदूवादी थोड़ी सी बात कर देते हैं तो उनको विरोधी मान लेते हैं और उनको नाप सनाप बोले। अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आप सबको पता है, सावर जी के लिए एक बयान दिया था। लेकिन यह भी यही इनकी सोच है, यही इसकी मानसिकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूनम खान, जो ये पूनम खान है ना, इसका खुद का एक अब्दुल है। और आपको याद होगा इसके अब्दुल ने इसको धमकी भी दी थी, इसके अब्दुल ने इसको फोन करके धमकी भी दी थी, फिर उसके खिलाफ इसने कंप्लेंट डाली थी। देखो दोस्तों, भी आप सबको पता है कि श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े जिहादी अब्दुल ने कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा ही क्यों, ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां थी जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी। लेकिन आज तक ये पूनम खान कभी लव जिहाद पर नहीं बोली, कभी ये नहीं बताएगी आपको कि लव जिहाद जैसी भी कोई यानी कि मानसिकता होती है, कभी नहीं बताएगी। आखिरकार क्यों बताएगी ये पूनम खान, ये यानी कि एकदम से मतलब कांग्रेस को उसमें ना इतनी लिप्त हो चुकी है, अब इसे कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा और सीट के चक्कर में तो ये कुछ भी कर सकती है। पहले इसका काम था यानी कि कोठों पे और कमरों पे, मतलब कमरे के अंदर कोठे पे और रोड पर डांस करना, नचकैया करना, वो सब मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है कि कभी मैंने कभी किसी की देखी नहीं। और मैं कहना चाहता हूं पूनम खान, अपने नाम के पीछे खान लगाया कर, ये पंडित मत लगाया कर, पंडितों को बदनाम मत कर, ठीक है। तेरी जैसी लड़कियों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां जो इन जिहादी अब्दुलों के चक्कर में फंस जाती हैं। और तुम जैसे कहती हो कि सबका अब्दुल एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा अब्दुल भी ऐसा ही है, याद रखना, ऐसा ही था, ऐसा ही है। उसकी सोच को तुम कभी नहीं बदल सकते, उसकी मानसिकता को तुम कभी नहीं बदल सकते, उसके अंदर जो जिहाद डाला गया है उसे तुम कभी नहीं निकाल सकते, तुम सबसे बड़े दोषी हो।
अगर जो लव जिहाद में जो आज के टाइम जो सनातनी लड़कियां फंसती है सबसे ज्यादा दोषी ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों ऐसी दोषियों के लिए क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। क्या ये कभी लव जिहाद पर खुलकर बोलेगी? अगर पूनम पंडित तेरे में हिम्मत है तो लव जिहाद पर आकर खुल के बोल और फिर दिखा लाइव करके, और फिर बोल और दिखा कि तेरे सपोर्ट में कितने अब्दुल आए हैं, कितने अब्दुल आकर बोलते हैं तेरे सपोर्ट में। जितने भी तेरे अब्दुल जुड़े हुए हैं ना, सारे के सारे अब्दुल टूटते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस पूनम खान के लिए? वीडियो को आगे शेयर करिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।